बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का भव्य उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय के हेल्थ सेंटर परिसर में फिजियोथेरेपी एवं योगा भवन की आधारशिला भी रखी। दरअसल राज्यपाल का हेलीकॉप्टर TNB कॉलेज के खेल मैदान में उतरा, जहाँ उन्हें जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल ने गायत्री परिवार के पंडितों के मंत्रोच्चारण के साथ फिजियोथेरेपी एवं योगा भवन की नींव रखी। वहीं मुख्य कार्यक्रम स्थल पर राज्यपाल का NCC कैडेटों ने स्वागत किया और स्पोर्ट्स ध्वज फहराया गया। इसके पश्चात उन्होंने इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया और जिम रूम का दौरा कर वहां की सुविधाओं की सराहना की। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि यह सुखद है कि आज विश्वविद्यालय खेलकूद को प्रोत्साहित कर रहा है। प्रधानमंत्री सोच के अनुसार खेलो इंडिया के तहत देश भर में खेल गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा रही है। यह मल्टीपर्पस हॉल मुख्य रूप से खेलकूद के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अन्यथा इसका गलत उपयोग हो सकता है। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से आग्रह किया कि खेल परिसर का उचित और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने राज्यपाल के आगमन को विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय बताते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति से छात्रों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि राजभवन की पहल से पहली बार चांसलर ट्रॉफी का आयोजन हुआ, जिसमें TMBU की भी भागीदारी रही। इस अवसर पर मारवाड़ी कॉलेज के महिला प्रभाग का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें राज्यपाल ने कॉलेज के विकास और महिला शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में सांसद अजय मंडल, MLC डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, स्वामी आगमानंद जी महाराज और अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं शिक्षाविद उपस्थित थे। वहीं जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। कार्यक्रम का सफल संचालन TNB कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने किया और धन्यवाद ज्ञापन कुल सचिव डॉक्टर विकास चंद्रा ने किया। वहीं कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। वहाँ के अपने खेल मंत्री जो होते हैं, उनको इनको एक पूरा दायित्व दिया गया है और इसको नाम दिया गया है खेलो इंडिया। केवल खेलो दिल्ली नहीं, खेलो विभाग नहीं, खेलो विश्वविद्यालय नहीं, पूरा देश खेलेगा। ऐसी एक इच्छा लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी सोच को वास्तव में लाने का प्रयास शुरू कर दिया है और उसी को आज हम उसके फल सब जगह देख रहे हैं। विश्वविद्यालय के स्तर पर ऐसी साधन सुविधाओं खेल के लिए निर्माण करना प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता रखी है और ऐसी प्राथमिकता लेकर सभी विश्वविद्यालयों को UGC के मार्फत और खेलो इंडिया के मार्फत निर्देश दिए गए हैं कि आपको आपके परिसर में खेल के लिए कुछ न कुछ सुविधा निर्माण करने की आवश्यकता है, जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ जो प्रोजेक्ट अभी आज हम सबने अपने इन खिलाड़ियों के लिए समर्पित कर दिया है, वो बहुत ही सुंदर परिसर है। वहाँ सब प्रकार की सुविधाएं हैं। अगर कोई भी वहाँ जाता है और उसके मन में खेल के प्रति कुछ इतनी खास विशेष आस्था नहीं है, फिर भी वो उस सुविधाओं को देखकर कहेगा कि अरे मुझे खेलना है। खेल परिसर देखकर खेल को विकसित करने की भावना स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यहाँ का जिम जो है वो भी यहाँ उत्कृष्ट है। मैंने पूरे परिसर को देखा और ऐसे ही जिम में जाकर भी मुझे भी इच्छा हो गई कि इसमें मैंने भी कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मैंने वहां एक जिम के एपरेटस पर बैठा और पुलअप्स करने का प्रयास किया। लेकिन ऐसी इच्छा उत्पन्न करने वाली साधन सुविधाएं जब होती है तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से इस दिशा में बढ़ते रहेंगे। इसको मल्टीपर्पज हॉल कहा गया है, लेकिन यहां इसका ज्यादा उपयोग खेल के लिए होना चाहिए। विश्वविद्यालय में और कई अन्य सभागृह हो सकते हैं अन्य उनके कामकाज के लिए,
परंतु इस यहाँ इस कार्यक्रम को, इस हॉल को, जिसका नाम भी बताया हमारे कुलपति जी ने, तिलका मांझी सभागृह। भागलपुर के पटेल बाबू रोड स्थित गुरुद्वारा से आज गुरु नानक देव जी की भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आयोजक ने बताया कि आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने जानकारी दी कि कल तक इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारा परिसर से शुरू हुई यह यात्रा स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक और वैरायटी चौक होते हुए फिर से गुरुद्वारा परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं इस धार्मिक आयोजन ने श्रद्धालुओं के बीच उत्साह और भक्ति की भावना को प्रबल कर दिया है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाश पर्व आज द्वितीय दिन है। हम लोग कल से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, आज द्वितीय दिन है। आज नगर कीर्तन शोभा यात्रा आप देख लोगे निकल रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ है और सब लगे हुए हैं टोटल शांतिपूर्ण तरीके से नगर कीर्तन शोभा यात्रा को संपन्न करने। बाकी कल का कार्यक्रम है, कल सुबह से ही अखंड पाठ का समापन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के निवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में समारोह पूर्वक आयोजित की गई। सबसे पहले उपस्थित कांग्रेस जनों ने उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने दिवंगत नेता के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। इस अवसर पर कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने IIT, IIM और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र सहित कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की, जिन पर भारत आज भी गर्व करता है। पंडित नेहरू एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी, शीर्ष स्तर के इतिहासकार और कुशल प्रशासक थे। पंडित नेहरू आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। इस अवसर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद, अभिषेक चौबे, उषा रानी, सुषमा देवी, शिवशंकर सिन्हा, बंटी दास, बाबर अंसारी, प्रिंस श्रीवास्तव, सिद्धार्थ कुमार, सादिक हसन, मोहम्मद डब्लू, रवि हरी, श्यामदेव मंडल समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हम लोग भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में यह हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। आज भारत में जो जितने भी संस्थान है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो या स्वास्थ्य भावों से संबंधित संस्थान हो, अंतरिक्ष में अनुसंधान से संबंधित संस्था हो, अगर कोई गर्व करने वाली संस्था है तो उसके संस्थापक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत बड़े इतिहासकार थे, बहुत बड़े वास्तुविद थे, बहुत बड़े वो जो है वनस्पति शास्त्री थे, क्योंकि उनकी जो किताबें हैं आज भी दुनिया के 17 नामचीन यूनिवर्सिटियों में जो है पढ़ाई जा रही। ऐसे महापुरुष से भारत को आने वाली संतति को हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के मानिक सरकार चौक के समीप स्थित के नर्सिंग होम में आज हार्ट केयर फैसिलिटी की जांच की गई। इस अवसर पर डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा ने जानकारी दी कि वर्तमान समय में लोगों में डायबिटीज और हार्ट संबंधी बीमारियों की बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस नर्सिंग होम में इन गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। डॉक्टर आशीष सिन्हा ने कहा कि लोग डायबिटीज को अक्सर एक साधारण बीमारी समझते हैं और इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि वास्तव में यह बीमारी धीरे धीरे शरीर में प्रभावी रूप से बढ़ती है और अन्य जटिलताएं पैदा कर सकती है, जैसे कि नाखून, मन और पेट संबंधी समस्याएं। इस मौके पर डॉक्टर AK सिन्हा ने भी अपने विचार साझा किए और बताया कि आज के समय में ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जैसी बीमारियों की घटनाएं बढ़ती जा रही है। उन्होंने जागरूकता पर बल देते हुए कहा कि नियमित जांच और समय पर उपचार ही इन बीमारियों के प्रभाव को
कम कर सकते हैं। आज चूंकि वर्ल्ड डायबिटीज डे है तो मैं डायबिटीज के बारे में खाली बोलना चाहता हूँ संक्षेप में। इनफैक्ट ये डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो कि लोगों के अंदर में है मगर वो जानते नहीं है। तो आज हमारा कैंप डिटेक्शन था जिसमें सभी लोगों का हमने ब्लड शुगर, HbA1c और कोलेस्ट्रॉल वगैरह टेस्ट किया, जिसमें हमने पाया अभी ऑलमोस्ट 57% से ऊपर लोग जो कि डायबिटिक नहीं थे उनको भी डायबिटीज मिला है। और वो मान नहीं पा रहे हैं कि हमको डायबिटीज कैसे हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा बीमारी है जो छुपा रहता अंदर में और हमारा काम होता है उसको अंदर से वो बीमारी को खोज कर निकालना। तो खोज कर निकालने से हमें प्रिवेंशन हो गया, मतलब हम पता कर लिए आपको ये बीमारी है। और डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो कि लोग ने उसको समझते नहीं है, वो सोचते हैं कि सिर्फ चीनी की बीमारी है, पर वो चीनी सिर्फ नहीं है, क्योंकि वो चीनी के साथ साथ वो शरीर के हर अंग को नुकसान करती है। वो हार्ट को खराब करती है, किडनी को खराब करती है, आपके ब्रेन के टिश्यू को खराब करती है, आपके स्किन को खराब करती है, आपके नाखून को फंगस करा देती है, औरतों में ल्यूकोरिया करा देती है, मतलब सभी तरह की बीमारियों को कराती है। तो एक सिंपल डायबिटीज जिसमें शुगर बढ़ा हुआ वो सारे चीज को परेशान करता है। अभी अभी जीता जागता एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि अभी मैं 42 ईयर्स के एक लड़के का मैं ऊपर में कैथ लैब में अभी जस्ट एंजियोग्राफी करके मैं ओटी से आप देख ही रहे मैं करके आ रहा हूँ। वो डायबिटिक पेशेंट है, 42 ईयर ओल्ड है, कभी इलाज सही से नहीं कराया। उसने सोचा कि डायबिटीज चीनी की बीमारी है, कुछ आयुर्वेदिक कुछ होम्योपैथी खा लें या कुछ पत्ते होते हैं वो खा लेते हैं, उससे शायद ठीक हो जाएगा। उनकी तीनों नली ब्लॉक है, एक नली 100% बंद है, एक नली 99% बंद है और एक नली में 80-90% बंद है। मतलब आज 42 ईयर्स ऑफ उम्र में ये पेशेंट जो है तीनों नली से ब्लॉकेज है और इनका एक ही बीमारी था, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड। तो शुगर ऐसी खतरनाक बीमारी है और इंडिया हम लोग टाइम बम पर बैठे हुए हैं। मतलब इंडिया में वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट केसेस ऑफ डायबिटीज का, चाइना में फर्स्ट है, उसके बाद इंडिया ही आता, कुछ दिन में इंडिया टॉप में हो जाएगा। तो अभी हमारा काम था के नर्सिंग होम में आज के दिन में वर्ल्ड डायबिटीज डेज में डिटेक्शन कैंप, तो हमने आज डिटेक्ट कर रहे हैं और अभी काफी और लोग बचे हुए हैं जिनको हम लोग डिटेक्ट करेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद द्वारा सन्हौला के काझा, गोकुलपुर तथा खरीक प्रखंड के खैरपुर और ननहकार में बाल रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाल संवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संवेद के निदेशक विक्रम ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज और राष्ट्र के लिए बच्चे भविष्य की धाती होते हैं। वहीं बच्चों की अनदेखी कर राष्ट्र और समाज को समृद्ध और ताकतवर नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के महत्व को भलीभांति समझते थे और अपनी नीतियों में हमेशा उन्हें प्राथमिकता देते थे। विक्रम ने कहा कि नेहरू जी ने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण को लेकर कई योजनाएं बनाई। उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में बच्चों को केंद्र में रखा और बच्चों के लिए विशेष डाक टिकट की शुरुआत की, जिसमें पोषाहार, शिक्षा और मनोरंजन का संदेश निहित था। बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए बाल भवन जैसी संस्थाओं की अद्भुत कल्पना भी उन्हीं की थी। इस आयोजन में संवेद के कार्यकर्ता शशिभूषण दास, सुनील कुमार दास, डौली कुमारी, आशा कुमारी, राहुल कुमार के अलावा गाँव के जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।